वही होना चाहिए। जी रुझान जी, आप एक खुद महिला एक्टिविस्ट हैं, अगर हम बात करें सोशल चेंजेस की, तो किस तरह के चेंजेस, जिस तरह से सोनल जी ने कहा कि कुछ वर्ड्स हैं कुछ जो लोकल हो गए हैं और कुछ नेता अपनी बयानबाजी बार बार करते हैं और कभी कभी इतने वाहियात बयान करते हैं जिससे आखिरकार भुगतना सिर्फ महिलाओं को पड़ता है, फिर विवाद होता है, विवाद फिर थम जाता है और फिर वो बात वहीं के वहीं दब जाती है, तो क्या करना चाहिए, क्या सोसाइटी को जगना चाहिए? अगर सोसाइटी को जगना चाहिए तो सोसाइटी को सबसे पहले क्या इनिशिएटिव लेना होगा? पहले इसके पहले मैं ये ऐड करना चाहती हूँ कि अभी जो आपने सब केसेस बताए वो बहुत गंदे नहीं, कुछ ज्यादा ही, सिर्फ रेप नहीं था, रेप के बाद उसको लेट्स अगर वो बच्ची थी तो उसको कुछ ब्लेड से मार डाला या वो दूसरे लेडीज को सूली पे लटका दिया, तो यू नो दिस इज बहुत बहुत गंभीर रीत से किया गया। इसके उसका मतलब यही है कि वो आदमी के माइंडसेट बता रहे कि वो कितना डेंजरस आदमी है सोसाइटी के लिए। सो ऐसे आई एम नॉट फॉर सूली पे चढ़ाना बिकॉज आई एम नॉट फॉर कैपिटल पनिशमेंट, बट व्हाट आई वांट टू से बेसिकली कि अगर इनके साथ कैपिटल पनिशमेंट में तो उसको फायदा हो जाएगा कि एक ही बार में उसका काम खत्म हो जाएगा, वो मुक्त हो जाएगा, उससे अच्छा तो बेटर है कि जो मैं हमेशा कहती हूँ कि उसको जो अगर काली कोठरी में या बंद कोठरी में रखो एक साल दो साल और सब देखे, या एक साल दो साल तो बेचारा रह भी नहीं पाएगा, तो इस तरह करोगे तो ऐसे ऐसे पनिशमेंट जो एग्जाम्पल हम सेट कर सकेंगे वो होगा। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि सोशल चेंजेस क्या होने चाहिए, हम ये सोशल चेंजेस कर रहे हैं जहां तक मेरा ख्याल है धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन मे बी यूपी और उस साइड में शायद नहीं हो रहा होगा। तो सोशल चेंजेस में जो बेसिक चेंज है, बेसिक जो कहते हैं ना कि भले आप गर्ल लड़की को एम्पावर कर रहे हो, उसको अभी तुम वो राइट्स दे रहे हो, घर के राइट्स दे रहे हो, लैंड के राइट्स दे रहे हो, ये सब बहुत अच्छा है क्योंकि वो लड़की की एम्पावरमेंट हो रही है, उसकी पढ़ाई देख रहे हो वो लड़की की एम्पावरमेंट हो रही है, अब साथ में आपको उसको एक जो मेंटल है कि उसको उसको रिस्पेक्ट के राइट्स देने, जो रिस्पेक्ट देनी चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये केस है कि यू हैव टू रिस्पेक्ट अ गर्ल, उसके साथ तुम्हें वो करना है, क्या कहते हैं कि वो शी इज नॉट कोई खिलौना नहीं है तुम्हारे लिए, यू नो ये सब चीजें डालनी पड़ेगी और वो बच्चे के लेवल से डालना पड़ेगा तो ही बड़ा होकर इसमें फर्क पड़ेगी, वरना अगर वो बच्चा अपने घर में रोज अपनी माँ को अगर डोमेस्टिक वायलेंस का केस होता है और वो देखता है कि रोज अपनी माँ मार खा रही है अपने पति का या उसके डैडी का, तो वो दिमाग वो लड़के में क्या सीखता है, वो तो यही सीखेगा ना कि यार लड़कियां तो पीटने के लिए ही है और लड़कियां तो छेड़ने के लिए, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैडम ने भी बताई कि जो हमारे फिल्म है, अभी भी मैं रिपीट करती हूँ, फिल्मों में कंट्रोल नहीं आया है, फिल्मों में अभी बीच में भी एक वो फिल्म का नाम याद नहीं है लेकिन वो लड़का लड़की के पीछे पड़ता है, स्टॉकिंग करता है, फिर वो रांझा कैसे कोई नाम था शायद, तो ना ये सब भी कंट्रोल होना चाहिए क्योंकि हम लोग भले वी आर अ वेरी डाइवर्स कंट्री, अपने पास बहुत डायवर्सिटी में हमारी यूनिटी है, लेकिन साथ में हमें यह भी देखना है कि विद दिस डायवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी हमारी मेच्योरिटी नहीं आई है, तो मेच्योरिटी लाने के लिए हमारी वो अमेरिका जैसे नहीं है कि हमारे में एक लेवल, वहां भी रेप होते हैं लेकिन एक लेवल की वहां मेच्योरिटी है, तो वो सब हमें लाना है, तो दिस इज ऑल अ सोसाइटी चेंज। लेकिन मेरा हमेशा ये मानना होता है बचपन से कि सोटी वागे चमचम विद्या वे दम दम, सो अगर हम टॉप डाउन एचोर लेंगे जैसे कि दूसरे कंट्रीज में होता है, जो साउथ ईस्ट कंट्रीज में है कि अपने जो भी उनके, आई डोंट वांट टू गेट इन अ तालिबानी लॉ कि भाई नाक काटाना आंख काटी ना ऐसा नहीं लाना है, बट उस टाइप का कुछ अगर सीरियस स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स होंगे तो ये कंट्रोल आ सकता है, वरना अगर अर्जेंट में हमको कंट्रोल लाना है तो सीवियर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स ये, वरना अर्जेंट में कोई कंट्रोल नहीं आने वाला। सोनल जी आप क्या कहेंगे, क्या कानून में हमें कौन से ऐसे चेंजेस करने पड़ेंगे, जिस तरह से रुझान जी ने कहा कि कानून तो है लेकिन अब कुछ नेता भी ऐसे बयान दे देते हैं कि छोटे कपड़े पहनते हो इसलिए रेप होगा, लेकिन 5 साल की बच्ची उस पर रेप फिर क्यों होता है, ऐसा कुछ ना हो उसके लिए कैसे कानून होने चाहिए, और अगर कानून का पालन कराना, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि कानून का पालन वैसे भी नहीं होता है, लेकिन अगर 5 साल की बच्ची पे वो जो नेता है जो ऐसी बयानबाजी करते हैं कि 5 साल की छोटे कपड़े पहनते हो तो ये रेप होता है, लेकिन 5 साल की बच्ची में ये कोई सवाल ही नहीं उठता कि ऐसा कोई बयान उस पर लागू हो, तो इन नेताओं के लिए क्या कोई कानून होने चाहिए, क्या उन फिल्मों के लिए ऐसे कोई कानून होने चाहिए? 80 साल के बुढ़िया के लिए भी बोलते हैं। आई एम एग्री विथ यू, जैसे कि इन्होंने बोल दिया कि बात कर, बाद में क्या करेंगे लोग, माफी मांग लेंगे, हमने जो बोला था मैं उन बहुत ही दिलगिर हूँ, पर ऐसे ही उनको जैसे पनिशमेंट कहाँ पे बोला है, गृह में से कि जहाँ पे विधानसभा में हो या फिर जहाँ पे, वहां से उनको 6 महीने का सस्पेंशन होना चाहिए, तो दूसरी बार ये गलती ना बने, या फिर 2 महीने का सस्पेंशन हो, तो सोच के बोले, जो भी नेता है वो जिम्मेदार है, वो अगर जनता में से उनको चुना गया है, समाज के लिए चुना गया है, अगर उनकी मानसिकता ऐसी होगी तो जो जनता उनको जो लेके आई जहाँ पे वो खड़ा किया, वो जनता क्या सोचेगी उनके लिए, उनको दूसरी बार फिर मौका ही नहीं देना चाहिए, उनकी मानसिकता ऐसी है, तो वो खुद ध्यान में रखे, ख्याल में रहे, छोटे कपड़े पहनने पूरा पूरे जैसे कि पश्चिमी देश में जाए तो पूरे वैसे लड़कियां कपड़े पहनती है, जो मर्जी आए कर दी, वहां पे तो ऐसे इश्यूज नहीं है क्योंकि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर है, जब तक लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं होगा, यहाँ पे पुलिस स्टेशन का मामला ले लो, पुलिस स्टेशन में एक रेप की FIR लिखने के लिए जही भी लड़की जाएगी, इतने क्वेश्चन करेंगे, पहले तो उसको बिठा रखेंगे,
बैठो, अभी तो बहुत साफ बिजी है, अभी तो वहीं जाना है, वहीं कहीं बंदोबस्त है, दो मिनट बैठिए आप, एक घंटा हो गया, दो घंटा हो गया, फिर पूछेंगे, वो शुरुआत करेंगे, ठीक है। अगर एडवोकेट साथ में जाता है तो एडवोकेट के बोलेंगे आप क्यों आए भाई, और यहाँ पे नहीं हट सकते, जैसे कि लॉ है, एडवोकेट जा सकता है। अच्छा ये तो इन्होंने कंप्लेन आपको सब समझा के दी, आप उस तरह से बोल रहे हो, मतलब कोई जाता है सोशल एक्टिविस्ट आता है तभी उनको भी प्रॉब्लम हो रही। ये मानो ना मानो, मैं तो पूरा पुलिस को ही ब्लेम करूंगी। पुलिस वाले हर जगह पे, जैसे कि उनकी ड्यूटी होती है रात को सोए पाए जाएंगे या फिर गप्पे मारते रहेंगे, अगर वो उनकी ड्यूटी सही तरह से करे तो ये मामले ना हो, वो खुद स्ट्रिक्ट हो। जैसे कि जहां पे FIR बनाए, इन्वेस्टिगेशन करनी होती, कई बार इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन में जैसे कि कहां पे जहां पे जो भी वाकया बनता है वहां से चीजें लेकर आनी होती है। जैसे कि बोला था कि एक जगह पे हर चीज होनी चाहिए, उसके फिंगरप्रिंट्स का होना चाहिए, उसके नाखून होने चाहिए, जैसे कि नाखून में से काफी चीजें उनकी चमड़ी या जो आरोपी होता है या फिर एक्यूज होता है उसकी चीजें हमें मिल सकती, तो वो सब चीजें तो कोई करता ही नहीं है। जैसे कि FSL रिपोर्ट में भेजना चाहिए, ये सब जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उनको उनकी ट्रेनिंग के दरमियान हर चीज सिखाई जाती है कि जब भी ये मामला हो तो किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। हम लोग बार बार बोल रहे हैं, पुलिस स्टेशन में जाके भी बोल रहे हैं कि आप अपने एक्यूज को रखा उसका उसके हर पूरी जगह बॉडी का जैसे जो भी चीजें जो भेजनी होती है वो प्लीज आप FSL में भेजे, ये चीजें करें, जो लड़की मर गई है या फिर जो विक्टिम है उसके नाखून उसी टाइम लेने चाहिए, उसमें से आपको काफी ठोस पुरावे इतने एविडेंस मिलते हैं कि उसके उसकी बिना पर उसको सजा मिल सकती है। पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रॉन्ग ही रहती है, अगर पुलिस लिख रहे लॉ एंड ऑर्डर तो लॉ तो बने भरे पड़े हैं, जब भी निर्भया कांड हुआ तभी भी लॉ बनाया हुआ है, तो उसको भी है, लॉ तो बहुत स्ट्रिक्ट है, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी होता है। अगर इन्वेस्टिगेशन सही तरह से हो, एविडेंसेस अगर एविडेंसेस के बिना ऊपर उसको सजा मिल सकती है, पर एविडेंसेस भी ना हो सही तरह से, उसमें भी लूपहोल्स होंगे तो फिर वो बंदा छूट जाएगा, वही मैंने बोला कि सामने घूमता रहेगा और जो जो परिवार है वो उसको सामने देखेगा और वो खुद भी रहे, ऐसे नहीं। जी सोनल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। रुझान जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ये वाक्य होते रहते हैं भारत जैसे देश में जहां नारी शक्ति है, जहां नारी को पूजा जाता है, और उसी देश में इस तरह के घिनौने अपराध बार 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 हर राज्य में होते हैं। गुजरात को अब तक सुरक्षित राज्य माना जाता था, लेकिन गुजरात में भी अब ऐसी वारदातें होना कुछ कम नहीं हुआ है। गुजरात का भी नाम अब यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली के साथ जुड़ने जा रहा है। तब कई सारे सवाल एक साथ खड़े हो जाते हैं, और यही सवाल हर एक के दिल में होता है कि क्या हम सुरक्षित हैं। नमस्कार।